सो हेलो सब गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस अभी 2:30 बज रहे हैं, अभी जाके मैं उठाऊं और नहा लिया हूं। आज पता ही नहीं चला भाई मैं कब तक सोता रह गया। गाइस मेरे को ना भाई अजीब अजीब सपने आ रहे थे, जैसे चाचा मैं रिया चीनू कहीं घूमने गए हैं भूतों की जगह पे और हमें फंस गए। सुनसान सा एरिया था और किले वगैरह बने हुए थे, अजीब सा डर लगे जा रहा था और वहाँ पे मजा भी आ रहा था रहने में भूतों के साथ में। बाकी कहीं से देखो भाई कल मैं क्या लेके आया, इतना बड़ा JBL का स्पीकर, इसकी आवाज अगर फुल कर दूं ना सारे पड़ोसियों तक चली जाएगी। पार्टी वार्टी करेंगे ना तो इसी को यूज करूंगा। गाइस एक गाना बजा के देखते हैं। बहुत तेज आवाज थी ना, बहुत खतरनाक मैंने बहुत तेज आवाज बजा दी थी तो जो जो डर के नीचे बैठ गया। ये रहा ये रहा ये रहा, आजा बाहर आ जा। पढ़ रहा भाई ये तो, फोन भी गिरा दिया मेरा। तो गाइस फिलहाल मैं सैंडविच बना रहा हूँ, बन गया सैंडविच। गाइस मिर्च भी ले लेते हैं, मिर्च भी डालेंगे, मिर्च बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कितनी सारी। तो गाइस ये बन गया भाई मेरा सैंडविच। गाइस बहुत ज्यादा मिर्च थी, अभी मुंह जल रहा है बहुत ज्यादा, इतनी मिर्च डाल दी। कान फोड़ने वाली मशीन है ये, इंसान बहरा हो सका है। इसको ना भाई चाचा के घर पे लेके चलते हैं और वहां बजाते हैं। गाइस आज भी भाई स्विफ्ट को चलाने में बहुत मजा आता है। यस 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 यस, मैंने कमेंट सारी पढ़ ली, ऐसे ऐसा है सारी पढ़ ली कमेंट्स। गाइस परसों मैंने अपनी पूरी गैंग से पूछा था कि भाई चीनू के साथ सेइंग यस फॉर 24 आवर्स करना चाहिए फिर निकलना चाहिए। मैं 24 घंटे के लिए इसको कुछ भी मना नहीं कर सकता, जो ये बोलेगा ना मेरे को करना पड़ेगा, जो भी दिलाने की बोलेगा, जहां भी जाने की बोलेगा, कुछ हो गया है पर नहीं करेंगे उसको। मजाक कर रहा हूँ, करेंगे करेंगे, जब तेरे ट्यूशन की छुट्टी हो गया तब करेंगे। देख अभी डांस करेंगे ठीक है, इसको बजा के गिचप गिचप नाचोगे, ये क्या होता है। हेलो इतना भारी, ये देखो जाते क्या पूरा डीजे लिया है, तो कहीं भी फंक्शन पार्टी वार्टी होगी ना तो ये बजाएंगे। बूम 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 मजा आएगा। अभी फाइनली गाना बजाते हैं। भाई गेट बज रहा है, गाइस गेट में वाइब्रेशन हो रही है, आवाज भी आ रही है। तो गाइस फिलहाल चीनू ट्यूशन जा रहा है भाई, वैसे इसका मन नहीं है जाने का। गाइस वैसे ना भाई आज मम्मी का फोन खराब हो गया था, सुबह सुबह मम्मी का फोन ठीक नहीं हो रहा। आज ना गाइस मम्मी को सरप्राइज करते हैं, मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। चीकी ट्यूशन जाएगी, मजा आता है। गाइस ये देखो इसका मन नहीं है ट्यूशन जाने का, जब भी कहीं घूमने की बात करते हैं ना ये रोने लग जाता है। चिकी ये रोता क्यों है, गंदा बच्चा, इसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता। चिकी से सीख कुछ, चिकी से मैं इसको पेन तो 100 रुपए वाले चाहिए। ट्यूशन जाएगा मन मार के जाएगा तो क्या फायदा, कुछ ना पड़ेगा, अच्छी तरह पढ़ के आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। चिकी भी अच्छी है, कभी चीनू जैसी ना बढ़ जाए बड़ी होगी। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, आजकल सब चीज जरूरी है। पता है स्पोर्ट्स में कितने आगे जाते हैं, पता है मेरे को, बस यूँ की पढ़ाई खराब मत करो बाकी सारी चीज करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खेल के टाइम पे खेल। ये बड़ी अच्छी बात कही है, पूरे दिन यही थोड़ी रहता है, गेमिंग वीडियो देख ली, कभी कहीं घूम लिया, कभी कुछ कर लिया, पढ़ाई भी तो करा कर। अब की बार जो मार्क्स आएंगे उसमें पता चल जाएगा। तो गाइस कमेंट करके बताने भाई चीनू के इस बार मार्क्स कैसे आएंगे। चल भाई तो गाइस स्कॉर्पियो में चलते हैं। वो तू कहाँ पे आ गया, वो बाहर भाग गया, जो जो सुसु करेगा। ये देखो भाई स्कॉर्पियन पे सुसु कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस गाड़ी पे भी सुसु कर दिया, बाहर भागना रहता है इसको। गाइस अभी 5:45 हो गए हैं, अंधेरा हो चुका है अभी सही, सर्दियों के टाइम में ना ये दिक्कत रहती है, अंधेरा जल्दी होता है। और गाइस एक पोपट हो गया, इतनी दूर आए और यहाँ पे फोन ही नहीं मिला, कह रहे आउट ऑफ स्टॉक है, तो भी कहीं और जा रहे लेने, आज लेके ही जाना है। पिछली बार चाचा का पोपट हो गया था, चाचा चाची के लिए फोन लेके आए थे, चक्कर के नहीं लाए थे। तो गाइस आज मम्मी के साथ साथ ना चाचा का भी फोन लेके आएंगे, दोनों को गिफ्ट मिल जाएगा। गाइस मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को कॉल करके बताया कि भाई जो फोन लिया था ना वो फोन ठीक नहीं है, वो बिकता भी नहीं है मार्केट में। और गाइस चाचा के फ्रेंड ने पता क्या बोला, अंकल जी बहुत बढ़िया फोन है, मस्त है, मजा आ जाएगा, ये तो बहुत बिकता है, इसकी तो सेल ही खत्म नहीं होती। जब हम वापस देने गए ना, हम बोले कि भाई किसी और को थोड़ा और कम प्राइस पे दे देना, ये बोला कि भाई नहीं कोई नहीं लेगा, ये बिकता नहीं है, लेने जाओ तो बहुत बिक रहा है, देने जाओ तो बिकेगा ही नहीं। गाइस अभी 9 बजने वाले हैं, हमें ना गाइस 2 घंटे हो गए वेट करते करते, भाई अभी तक फोन लेके नहीं आया है, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वो शिट्टू भी आ गया, गाइस अभी शिट्टू भी मिल गया यहाँ पे। गाइस ये देखो भाई शिट्टू ने नई बाइक ली है 26 तारीख को, जिस दिन हमने गाड़ी ली थी ना उसी दिन आई थी। वेट करते करते ना 10 बज गए, फोन भी आ गया है और एक बढ़िया चीज हो गया है, चाचा का ना भाई हमशक्ल मिल गया हमें। गाइस 70% मैच कर रहा है, चाचा अगर दाढ़ी कटवा लेंगे ना अपनी तो भाई बिल्कुल सेम हो जाएंगे। Wow! पेट वेट निकला हुआ सब सेम है, हाथ भी सेम है, सारी चीज सेम है, अगर मैंने शक्ल छुपा दी ना तो दोनों सेम लग रहे हैं, बॉडी का कलर भी सेम है।
गाइज एक काम करेंगे, मतलब दोनों को सेम करवा के और फिर प्रैंक करेंगे चिकी के साथ, चीनू के साथ। मस्त प्लान है भाई, करेंगे, ट्राई करेंगे। बस मेकअप की कमी है, बाकी पूरा सेम। मैं तो इमेजिन करने लग रहा हूँ चिकी का क्या रिएक्शन होगा, एक बार तो हैरान हो जाएगी पूरी। तो गाइज दोनों फोन आ गए हमारे मम्मी और चाची के, थैंक यू भाई। ओ शिट्टू ये रहा, ओ भाई ओ ये कैसे बाइक चला रहा है, ओ चाची ओ गिरेगा इनकी, इसको इसको फोन करके बोलो। ये देखो गाइस कैसे चला रहा है यार, ये पागल है क्या, मार साले का खोपड़ी तोड़ दे। ये देखो गाइस कैसे सांप की तरह चला रहा है, ओ भाई ओ गाइस चाचा फोन मिला रहे इसके पास, ओ भाई ओ भाई ओ बस क्या कैसे निकला अभी ये, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है उनको, भाई चोट लग जाएगी ऐसे मचला, कोई जी चिल जाएंगे ज्यादा और क्या होगा, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल 10:30 हो रहे हैं और अभी घर की साइड जा रहे हैं, 4 बजे से निकले हुए हैं घर से, फोन लेने के लिए 5.5 घंटे लगा दिए, 6.5 घंटे। पहले हम कहीं और गए थे, वहाँ पे था ही नहीं, फिर यहाँ पे ना किसी दोस्त के पास आए, वो भी फिर कहीं और से फोन लेके आए थे, जिसमें उनको भी टाइम लग गया, 2.5 घंटे लग गए उनको। बस एक चीज कमाल होगी, चाचा के हमशक्ल मिल गए गाइस। वैसे अगर नॉर्मली कोई भी देखेगा ना तो उसको पता नहीं चलेगा डिफरेंस, पर मेरे को पता है गाइस बॉडी फेस बिल्कुल सेम था सब कुछ, बस ना मेकअप का फर्क है। हमने भाई भैया से बात कर ली है, एक दिन प्रैंक करेंगे चिकी और चीनू के साथ। चाची अभी तक उठ रही है, नहीं तो सो जाती। गाइस चाची ना भाई ये फोन ना 7 साल से चला रही है, ये चाची आपका फोन है, सिम डाल दो फिर मेरी। हाँ। मेरी भाभी को दे फिर डालते हैं। और गाइस ये देखो भाई ये तो सो रहा है, ओ चीनू बोल जय श्री राम। अब फोन लिए मम्मी को दिखाने चलेंगे, आजा। आज चाचा का हमशक्ल मिला हमें, ना झूठ बोल, झूठ नहीं बोल रहा सच में था। बहुत वेट करा तूने, अभी भी नींद आ रही है, गिर मत जाइयो। अरे नींद में यार सोने लग रहा है। उठ रहे हो मम्मी, सोई नहीं आप, तू आया इतनी लेट। गाइस रिया भी सो रही है, वो जो जो सोया नहीं, ये हमारी आवाज सुन के उठ गया गाइस। गाइस रिया इसको साथ में सुलाते हैं अपने, रिया के पास किसी को भी नहीं आने दे रहा, पूरी प्रोटेक्शन। और वो भाई पा रहा है ये क्या है, कुछ बोल रहा मैं तेरे को, ये देखो गाइस कैसे बैठ गया पोजीशन में, ये देखो ये तेरा तो बॉडीगार्ड बन रखा है पूरा ये। ओ भाई भाई मैं चोर नहीं हूँ ठीक है, क्योंकि मैंने रिया को उठा दिया ना इसलिए गुस्सा कर रही है। मम्मी देखो आपके लिए फोन लेके आए हैं, नहीं आपका ये गाइस। मम्मी को यकीन नहीं हो रहा फोन लेके आया मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ना कई सालों से एक ही फोन चलाया जा रहा है, कभी प्रैंक किया इन चीजों पे। ये सील पैक डब्बा नहीं दिख रहा तुम्हें, मम्मी चीनों से खुलवा रही है। गाइस पापा भी उठ गए, ये फोन के लिए लेट हो गए, 4 घंटे वेट किया हमने एक फोन के लिए। ओ भाई वो नीचे गिर गया, बहुत प्यारा बहुत अच्छा गिफ्ट है, मस्त लग रहा है। चीनू के हाथ में तो बिल्कुल मत दे, तोड़ देगा गिरा देगा। गाइस मम्मी ने ये फोन ना भाई बहुत साल चलाया है, मम्मी को तो यूट्यूब ही चलाना है बस फोन में। साउंड इसकी सुन तो ले पहले गाना, अरे सपिक्कर। मम्मी ना माता के गाने बहुत सुनती है, मैं रख लूं ना सच में मेरा ये ना। अरे हाँ भाई हाँ, मम्मी को तो नया फोन मिल गया। और रिया को देखो गाइस, इसकी ना 12th कब की होगी है और इसके पास आज तक फोन नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं बाबा, इसके पास पर्सनल फोन है ही नहीं, ले पुराने वाला फोन ले ले मम्मी का, ये मैं रख लूंगी ये दे दूंगी। नया रिया को दे दोगे? इसके लिए नया फोन मैं ये ले लेती हूँ। मम्मी कह रही है कि नया फोन रिया को दे दे, रिया कह रही है कि नहीं नया मम्मी को दे दो, मैं पुराना रख लेती हूँ। किसी को किसी का फोन नहीं मिलेगा, मुझे गेमिंग फोन है, मैं फ्री फायर खेलूंगी। फ्री फायर खेलेगा? तेरे पास गेमिंग लैपटॉप है ना, तू चुप हो जा, चुप कर बे। उसमें GTA 5 चलता है, तेरे को और क्या चाहिए? मुझे उसमें चाहिए, क्या चाहिए? मार साले का खोपड़ी तोड़। और गाइस कमेंट करके बताने की भाई रिया को नया फोन दिलाना चाहिए नहीं दिलाना चाहिए? दिलाना चाहिए भाई, दीदी को दिलाना चाहिए iPhone 13। ओ भाई वैसे तेरे को कौन सा फोन चाहिए, अगर गिफ्ट में चाहिए तो? ऐसा मैंने पहला इंसान देखा है जिसकी 12th क्लास भी होगी और फोन भी नहीं मांग रहा। इसके ना भाई सारी फ्रेंड्स के पास फोन है, इसी के पास नहीं है। और बड़े से बड़ा कौन सा फोन है तेरी फ्रेंड के पास? OnePlus का सृष्टि के पास। गाइस वैसे तुम कमेंट करके बताना कि भाई रिया को अगर फोन दिलाए तो कौन सा दिलाना चाहिए। 14 अभी तो 13 में नहीं कर रहा था यार, ये भी पलट जाता भाई। ये बोतल लेके काम भाग रहा है जो क्या कर रहा है। ओ भाई वो बोतल देख क्या इंसान है ये। ओ भाई मैच के नीचे चला गया, बोतल खोस ले एकदम ले ले। बाय। तो गाइस चाचा और जीनू घर पे जा रहे हैं, बहुत रात हो गई है, 1 बजने वाले हैं। गुड नाइट। ये रहा, पता भी नहीं चला तू कब बाहर निकल गया जोजो। गाइस अभी ना हम गेट बंद करके सो जाते, बाहर चुपके बैठ गया शैतान बच्चा। गाइस शुरुआत में जब जोजो को लाए थे ना तो मम्मी सबसे ज्यादा डर रही थी, अभी मम्मी सबसे ज्यादा ध्यान रखती है इसका।
तो गाइस फिलहाल 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, अभी मैं मम्मी का फोन सेटअप कर रहा हूँ और गाइस साथ में मैं खा रहा हूँ खाना, खाने में पनीर और लस्सी, उसके बाद मैं करूंगा एडिटिंग। और गाइस एक चीज और, जब 1 मिलियन हुए थे ना तो मेरे को वॉटर पार्क बुक करना था गाइस, जिसके लिए मैंने बात कर रखी है, वो चीज फाइनल भी होगी। बस एक चीज की कंफ्यूजन है, सर्दियों के मौसम आ गया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, अभी ठीक रहेगा या फिर गर्मियों में कमेंट करके बताना, अगर सर्दियों में बोल दोगे ना तो सर्दियों में चलेंगे। बाकी गाइस फिलहाल टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।